मॉर्निंग बच्चों, क्लास नाइन्थ की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 4.3 तक के सवाल हल कर लिए हैं। आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.4। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 का, एक चर वाले और दूसरा ऑप्शन है दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामिति निरूपण कीजिए। तो हमें y=3 को दिखाना है ग्राफ में। कब दिखाना है? जब एक चर वाला हो और जब दो चर वाला हो समीकरण। ठीक है, तो जब एक चर वाला समीकरण है तो बच्चों y=3 ये खुद ही एक चर में समीकरण है, यानी y=3 इसको हो गया। दो चर के लिए यानी हमारे पास दो चर होने चाहिए, एक तो y=3 है ही, साथ ही साथ बच्चों हमारे पास में एक और चर हम ले सकते हैं x, लेकिन x की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए हम क्या लेंगे, x=0 लेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है। बच्चों, एक चर वाले के लिए हमें ग्राफ खींचना है, तो हमें कुछ नहीं, स्केल की सहायता से ग्राफ पेपर पे केवल एक ही अक्ष खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिया हुआ है और यहाँ पर उसका मान क्या दिया हुआ है, y=3 दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण हमारा y=2 क्या है, 3 है। तो ये मान लीजिए हमने y अक्ष ले लिया, यहाँ पर y डैश हो गया हमारा, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए 0 दिया हुआ है, ठीक, 0 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, इधर -1 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। तो ये y अक्ष है हमारा। समीकरण क्या है बच्चों हमारा, y=3। y=3 का तात्पर्य हुआ y का मान कितना है, 3। तो y=3 यानी ये वाला बिंदु जो है, ये दिखाती हुई जो है रेखा होगी इससे जाने वाली, यहाँ पर ये y=3 हो गया। ठीक है, इसका आलेखन हो गया, y=2 यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। ठीक, एक चर के लिए अगर हमने बनाया है ग्राफ तो इस तरीके से बनेगा, केवल एक ही अक्ष होगा हमारे पास में। अब इसके बाद दूसरा इसका हमारा पार्ट है, वो है कि दो चर वाले, तो दूसरा पॉइंट है हमारा दो चर वाले। ठीक है, दो चर वाले। अब दो चर वाले के लिए जो है हमारे पास समीकरण तो यही दिया हुआ है बच्चों, क्या, y=3। तो यहाँ पर हमें दो चर चाहिए है, पहला चर तो y दिया हुआ है, एक चर और चाहिए मान लीजिए x हमने लिया, तो इसका मान तो कुछ दिया नहीं हुआ, इसलिए हमें इसे 0 ही लेना पड़ेगा, क्यों, तब हमारे पास x=0 y=3 प्राप्त हो गया। अब हम इसका निरूपण किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में दो संख्याएं रेखाएं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है हम इस प्रकार से दो संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, यहाँ पर वाई हो जाएगा और ये यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा। ठीक, इसके निर्देशांक बना लेते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4 धनात्मक होगा, यहाँ 0 हो जाएगा और 0 के बाई तरफ क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, -1, -2, -3 हो जाएंगे। इसी तरह वाई अक्ष पे भी हो जाएंगे ऊपर की तरफ के, 1, 2, 3, ठीक है, 4 ये हो गए धनात्मक हो गए और नीचे की तरफ के क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक, ये बिंदु जो है हमारे ये क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होंगे, -1, -2, -3, -3। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा दिया क्या है, x=0 और y=3। तो x=0 कहाँ आएगा बच्चों, x का मान यहाँ पर देखिए, x=0 मतलब ये हो जाएगा और y=3 यानी yx=3 यानी ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, तो ये बिंदु है, इससे जाने वाली जो होगी y=3 जो है वो, इससे जाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी y=3 होगी। इस बिंदु से जाने वाली रेखा जो होगी वो ये होगी बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारी जो रेखा प्राप्त होगी, इसका समीकरण y=3 होगा। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x=0 और y=3 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो चर वालों के लिए जो है अगर हम निरूपित करेंगे या आलेखन इसका आलेख करेंगे तो इस प्रकार से हमें करना होगा, और जब एक चर के लिए करेंगे तो केवल एक ही संख्या रेखा की ज़रूरत होगी और इस प्रकार से हम इसका निरूपण करेंगे। समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को? बच्चों, आपने गौर किया कि ये जो हमारी रेखा प्राप्त हो रही है वो हमारी यक्ष अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण है। ठीक है, यक्ष अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यक्ष अक्ष के समानांतर रेखाओं का समीकरण ये, इसका निरूपण इस प्रकार से किया जाएगा। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x+9=0 का ज्यामिति निरूपण हमें करना है। क्या समीकरण है हमारा, 2x+9=0, एक चर वाले रूप में किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा और दो चर वाले समीकरण के रूप में इस प्रकार इसका ज्यामिति निरूपण किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं।
बच्चों यहाँ पर एक चर वाले के लिए, यहाँ पर एक चर वाले में समीकरण ज्ञात करना, हमारा समीकरण क्या है, 2x + 9 = 0 दिया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x = हो जाएगा -9/2। अब यहाँ पर इसका 2 का भाग करेंगे 9 में तो कितनी बार जाएगा, 2 × 4 = 8, दशमलव लग जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी ये माइनस में आएगा -4.5, यानी हमारे पास समीकरण क्या हो गया, x = -4.5, इसी को निरूपित करना है हमें। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमें स्केल की सहायता से संख्या रेखा बनानी होगी, क्योंकि एक चर वाला है तो एक ही हमारी संख्या रेखा बनेगी, है ना। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारी संख्या रेखा, चूँकि यहाँ पर बच्चों माइनस में दिया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर इसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे 0 ले लिया, यहाँ पर 0 लेने पे आ रहा था क्या, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ यहाँ पर मान लीजिए हमने इसे 0 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के दाएं तरफ के अंक धनात्मक होते हैं और बाईं तरफ के अंक क्या होते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं, तो ये -1, -2, -3, -4 और ये हो जाएगा -5। -4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ इसके इसके बीच में 10 खाने हैं छोटे, और जो थोड़ी सी लाइन थोड़ा डार्क दिख रही है तो वो वाली लाइन होगी हमारी क्या होगी, ये बिंदु होगा हमारा क्या, 4.5 माइनस में। ठीक है, -4.5 जो है ये वाला बिंदु होगा। ठीक, तो ये हमारी संख्या रेखा में x = -4.5 ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसे एक चर वाले समीकरण को निरूपित कर दिया है। अब बात आती है दो चर वाले, अब दो चर के लिए हमें चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर एक तो हमें पता चल गया x = क्या है, -4.5 है, और एक हमें लेना पड़ेगा y, जिसको हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे किस प्रकार से हम निरूपित करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, इसमें 2 अक्ष लेने पड़ेंगे हमें। ठीक, एक x अक्ष लेना पड़ेगा और एक y अक्ष लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसे भी हम देख लेते कैसे बनाएंगे। इसके बाद फिर मान लीजिए इसे यहां ले लेते हैं, ये ठीक, ये 0 हो गया हमारा, और यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, इस ये यहाँ पर x अक्ष हो गया, x डैश हो गया हमारा, ये y हो गया और ये y डैश, यहाँ पर इस तरफ के सारे अंक क्या होंगे, 1, 2, 3। ठीक, इधर ऊपर के धनात्मक होंगे 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ के क्या होंगे, सारे ऋणात्मक, ये, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, नीचे के भी -1, -2, इस तरीके से हमने ये अपनी संख्या रेखा खींच ली है। अब यहाँ पर हमें किसे दर्शाना है, x = y = 0, तो y का मान 0 कहाँ पे है, इस यहाँ इस लाली लाइन पे y का मान 0 होगा, x अक्ष पे y = 0 होता है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -4.5, तो 4.5 बच्चों कहाँ आएगा, ये यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका मतलब है कि कैसी हमारी संख्या रेखा जो है वो कैसे बनेगी, तो ये बच्चों हमारी 4.5 हो गया, यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -4.5 और 0। ठीक है, और वाई का मान 0 है, तो ये जो रेखा होगी जो ये खींची जा रही है, ठीक, ये जो रेखा प्राप्त हो गई ये हमारी क्या हो जाएगी, x = ये उस रेखा का समीकरण हो जाएगा जो कि हमारे y अक्ष के समानांतर प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ज्यामिति निरूपण प्राप्त हो गया, 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों किस तरीके से इसको हल किया गया है। तो बच्चों आज 4.4 जो प्रश्नावली है ये यहीं पर समाप्त हुई। साथ ही साथ बच्चों हमारा जो ये चौथा चैप्टर था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वो भी आज यहीं पर समाप्त हुआ। और बच्चों आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, यह एकदम निःशुल्क है। धन्यवाद बच्चों।